हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरोग्य वर्धनी। फ्रेंड्स, आज हम बेल फ्रूट के बेनिफिट्स देखने जा रहे हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार बेल के पेड़ को शुभ माना जाता है, जिस कारण ये मंदिर परिसर में ज़्यादातर पाए जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार बेल के जड़ में भगवान शंकर जी का वास माना जाता है। इसके पत्ते व फल पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेल फल, बेल पत्र और बेल की जड़ दवा के रूप में काम आती है। बेल में कई तरह के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, जो हमें कई बीमारियों से दूर रखता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, प्रोटीन, आयरन, विटामिन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। साथ ही पेट संबंधित बीमारियों के लिए बेल रामबाण औषध है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं बेल के फायदे और हमें किन बीमारियों से बचाता है। क्या आप अक्सर दिल संबंधित समस्याओं से परेशान रहते हैं, तो रोजाना बेल के रस में कुछ बूंद घी मिलाकर इसका नियमित सेवन करें। बेल फाइबर का अच्छा स्रोत होता है, जो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है और हमारे दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है। नियमित आहार का सेवन करने से शरीर में अतिरिक्त फैट का निर्माण होता है। शरीर में उत्पन्न अतिरिक्त फैट कोलेस्ट्रॉल का कारण बनता है। अगर आप नियमित रूप से बेल के रस का सेवन करते हैं, तो बेल में मौजूद फाइबर हमारे शरीर के अतिरिक्त फैट को नष्ट करता है। साथ ही यह हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है। बेल रस का नियमित सेवन करें, ये हमें कब्ज और गैस से जल्दी छुटकारा दिलाता है। बेल में मौजूद फाइबर हमारे पाचन क्रिया को मजबूत एवं संतुलित बनाए रखता है और गैस, कब्ज जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होने देता है। बरसात के मौसम में हर तरफ पानी जम जाता है, इससे ज़्यादातर हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर की हालचाल कम होती है और ऐसे मौसम में हमें चटपटा खाने की इच्छा होती है और हम कुछ भी चटपटा खा भी लेते हैं, जिससे हमारी पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है, जिससे कि डायरिया जैसी बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। अगर से घर में किसी को भी दस्त हो, तो उसे बेल रस में गुड़ मिलाकर दे, इससे आराम मिलता है, क्योंकि बेल पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। गर्मी के दिनों में लू से बचने के लिए बेल का नियमित सेवन करें, ताकि अंदर से हमारा पेट ठंडा रह सके और हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहे, ताकि धूप व लू से हम बच सके। बेल के रस के नियमित सेवन से महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर की संभावना कम होती है। बेल में मौजूद फोलेटिव एक्शन शरीर के कैंसर के कोशिकाओं के विकास को रोकने के लिए सक्रिय करती है और महिलाओं को स्तन कैंसर से सुरक्षित रखती है। बेल रस में थोड़ा गुनगुना पानी और शहद मिलाकर नियमित सेवन करने से आपके खून को साफ करता है, साथ ही आपको स्वस्थ भी रखता है। अगर आपको डायबिटीज है, तो रोजाना 10-12 बेल पत्र को पीसकर रस निकाल लें और इसका सेवन करें। बेल शरीर के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, जिससे कि आपको डायबिटीज से जल्दी राहत मिलती है। अगर से आपके शरीर में खून की कमी है, तो सूखे पके बेल का चूर्ण बना लें और रोजाना दूध में मिश्री के साथ 1 चम्मच बेल चूर्ण लें। इससे शरीर में नए खून का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, ये थे बहुगुणीय बेल खाने के फायदे। आप नियमित रूप से बेल फल या बेल के रस का सेवन करके भी आपके शरीर को इस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। अगर से आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरा ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव में जरूर शेयर करें। तो फ्रेंड, टेक केयर, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।